धन्यवाद राजवंशी साहब, और मैं आपका अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप मैं एक अभी आपके सामने गिद्धों पे एक प्रेजेंटेशन दूंगा, और गिद्ध एक बहुत ही उपयोगी पक्षी है, ख़ास तौर से हमारे गांव की सेटिंग में, रूरल सेटिंग में, क्योंकि गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाता था। वो हमारे देश में पहले बहुत बड़ी तादाद में हो सकते थे, और अब वो विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो उनकी मैं ज़रा आपको सारी स्टोरी बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि हमने उनके कंजर्वेशन के लिए क्या स्टेप्स उठाए। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गिद्ध जो है ना, एक स्कैवेंजर है, वो केवल मरे हुए प्राणियों को खाता है, और ऊपर वाले ने गिद्ध को ही एक ऐसा पक्षी बनाया है सारे पशु पक्षी वर्ल्ड में जो कि मरे हुए जानवरों को खाने के लिए माहिर होता है। और उसके लिए क्या होता है, गिद्ध जो है आम तौर से कोई भी जानवर, आदमी भी अपने शरीर के वजन का 5% से ज़्यादा एक टाइम में नहीं खा पा सकता, हमको मिला के। लेकिन गिद्ध, क्योंकि वो मरे हुए पक्षी खाता है, उसके लिए खाना कभी ऐसा नहीं होता कि उसको हरदम खाने का वह नहीं होता है कि हरदम उसे मिल जाएगा। तो उसको जब भी खाना मिलता है, वो अपनी बॉडी वेट के बराबर का खाना खा सकता है, यानी कि 4-5 किलो एक वक्त में खा लेगा। उसके बाद वो 15-20 दिन 25 दिन बिना खाने के भी रह सकता है कि उसको खाना नहीं मिले। तो ये उसको प्रकृति ने बनाया। उसके यहाँ एक थैली होती है जिसमें वो खाना भर लेता है। और गिद्ध क्या है, एक सामाजिक पक्षी है, वो अकेला नहीं रह सकता, वो एक झुंड में ही रहता है। और उस झुंड में इसलिए रहता है क्योंकि वो झुंड में रह के अपने खाने को बड़े आराम से ढूंढ लेता है। गिद्धों की आपने सुना होगा कि उनकी आंखें बहुत तेज़ होती हैं, मगर इतनी तेज़ नहीं होती कि वो हज़ारों फीट ऊपर उड़ के पता लगा ले कि हम हरा हो जानवर पर। गिद्ध क्या करता है, जो हमारे पृथ्वी से गर्म हवाएँ उड़ती हैं, गर्म उनके ऊपर वो तैरता रहता है हवा में। और उसके साथ साथ वो ये भी देखता रहता है कि नीचे जो कौवे हैं, कुत्ते हैं, या शेर, या वो अगर वो सब एक तरफ जा रहे हैं तो वो नीचे आके देखता है। अगर उसको एक मरा हुआ पक्षी दिखाई दिया तो वो एकदम से नीचे नहीं उतरता, वो क्या करेगा, कई बार चक्कर लगाएगा। और जब वो धीरे धीरे ज़ोर ज़ोर से चक्कर लगाने लगेगा तो उसको देख के आसपास जो वल्चर उड़ रहे होंगे वो समझ जाएंगे यहाँ खाना है, चलो। तो 100-150 किलोमीटर से वल्चर इस तरह से आ जाते हैं, फटाफट खा के और तुरंत चले जाते हैं। और एक बड़ी गाय जो कि करीब 300-400 किलो की होती है, वल्चर आधे घंटे में पूरा ख़त्म कर देता है। और वल्चर ही ऐसा प्राणी है जो मरे हुए जानवर या आदमी के शरीर में जो कुछ सड़ने वाला होता है उसको सब खा जाता है, और कुछ भी सड़ने को नहीं छोड़ता है। यही मैं आपको अभी बताऊँ। नेक्स्ट प्लीज। और हमारे यहाँ 9 तरह के गिद्ध पाए जाते हैं, और वो सब एक ही तरह का खाना खाते हैं जो मरे हुए जानवर, लेकिन अलग अलग तरह से खाते हैं। कुछ गिद्ध ऐसे होते हैं जो मरी हुई गाय या भैंस को के चमड़े को खोल देते हैं, और वो केवल चमड़ा और मीट खाते हैं। कुछ गिद्ध ऐसे होते हैं जो ज़्यादा, जिनकी लंबी गर्दन होती है, बड़ा शरीर होता है, वो ज़्यादातर मांस खाते हैं और अंदर शरीर के अंदर भाग। और आपको मालूम है, मरा हुआ जानवर हो या इंसान हो, वो एक जो बैक्टीरिया और फंगस के लिए एक खाने के तरह काम करता है। जैसे ही जानवर मरा, उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंगस जो कि बीमारी फैलाने वाले कीटाणु होते हैं, उनके ऊपर वो बहुत तादाद में बन जाते हैं, और फिर एक आवरण बना लेते हैं, और आवरण बन के वो धरती में चले जाते हैं। और एक बार उनका आवरण बन गया तो आप उनको मार नहीं सकते, चाहे कोई दवा हो या किसी से। और एक बार वो धरती में गए, और उसके बाद जो भी हेल्दी आदमी या पशु मिला, वो सांस के जरिए या पानी के जरिए उनके शरीर में चल जाते हैं और बीमारी फैला देते हैं। लेकिन गिद्ध, जैसे पशु की मृत्यु हुई, बैक्टीरिया और फंगस के पनपने से पहले वो उनको खा जाते हैं, जिससे कि बीमारी ना फैल पाए। तो इसलिए गिद्ध हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी पक्षी है। नेक्स्ट प्लीज। अब पता नहीं आपको ये दिखाई दे रहा है दूर से, क्योंकि लाइट बहुत है। हमारे देश में करीब 4 करोड़ गिद्ध हुआ करते थे।
इसका अभी सोचना भी मुश्किल है कि ऐसा हो भी सकता था। ये फोटो हमने 1982 में ली थी दिल्ली में, और आप देखेंगे कि ये पूरी गिद्धों की आर्मी बैठी हुई, यहाँ से लेकर वहाँ तक गिद्ध ही गिद्ध हैं। और जैसे हमारे हिंदुस्तान में गाय भैंस मरती हैं तो हमारे को एक सिस्टम नहीं है कि उनको किसी उसमें भेज दो जिससे कि उनका सारा प्रोसेसिंग हो जाए और कुछ बाहर ना आए। हम लोग क्या करते हैं, गाय मरी उसका खाल निकाला और बाहर फेंक दिया, और गिद्ध तब उन्हें आके खा जाते थे। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और आप देखेंगे ये भी एक फ़ोटो दिल्ली की है, तिमारपुर की, जहाँ पे स्लॉटर, जहाँ कत्ल खाने का वेस्ट पड़ा जाता है। तो आप देखेंगे केवल वल्चर ही वल्चर है, इसमें कुछ नहीं है। और आप इस फोटो में एक और देखते गया कि जहाँ आगे वल्चर बैठे हैं और पीछे एक कॉलोनी है जहाँ लोग रहते हैं, मगर वहाँ बिल्कुल बदबू नहीं हुआ करती थी। वो क्यों नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वल्चर जो कुछ सड़ने लारी जगह मरे हुए जानवर होते हैं सब खा जाता है। और बदबू क्या होती है, बदबू होती है जब मीट में बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करते हैं, तो वो बदबू करते हैं। तो गिद्ध उन सबको सब खा जाता था, तो बदबू भी नहीं होती थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। और हमारे समाज में कुछ लोग अपनी रोजी रोटी भी मरे हुए जानवरों का खाल और हड्डी बेच के खाते थे। तो हमारे, आपको सबको मालूम है कि ऐसे भी लोग थे जो जानवर मरा उसकी खाल निकाली, उसको बाहर फेंका, गिद्धों ने आके उसको खाया और उसका हड्डी निकाल के ले गए, और करीब 3-4 करोड़ का एक डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस हुआ करता था उन। और वो जब गाय को छीलने से पहले ही वल्चर आके उसको खा जाते थे। तो एक बहुत बड़ा समन्वय था मनुष्यों में और गिद्धों में, और मनुष्यों को भी पूरा उससे फायदा होता था। नेक्स्ट प्लीज। लेकिन आप इन लोगों को भी बहुत परेशानी होती। नेक्स्ट। और आपको मालूम है गिद्ध का बहुत बड़ा रोल रामायण में है, और जटायु ने सीता माता की रक्षा की थी। और नेक्स्ट प्लीज। गिद्धों का एक बहुत बड़ा रोल पारसी समाज में भी है। पारसी लोग जो होते हैं वो ईरान इराक से हिंदुस्तान में आके बसे हैं, और वो बहुत ही ऐसी कम्युनिटी है जो उसने बिजनेस में बहुत प्रोग्रेस किया। लेकिन पारसी लोग क्या समझते हैं कि अगर मौत हो गई तो शरीर अपवित्र हो जाता है और उसको आप एलिमेंट्स को नहीं दे, लाइक पानी, हवा, आग या किसी में नहीं डाल सकते क्योंकि वो अपवित्र हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसी बिल्डिंग बनाते हैं और मरे हुए आदमी को उसमें रख देते हैं, और वल्चर आके उन्हें खा जाता है। उससे क्या होता है कि ना तो कोई पोल्यूशन होता है, ना आप उसको बॉडी को दबा दो तो पॉल्यूशन होता है, गोभी को जलाओ तो पॉल्यूशन होता है, लेकिन वल्चर खा जाते हैं तो कोई पॉल्यूशन नहीं होता था। लेकिन अब उनको बहुत समस्या हो रही है। अब भी वो ये करते हैं, मगर बॉडी, अब क्या करते हैं, वो सूरज की किरणों से उनकी बॉडी सुखाते हैं, लेकिन वो इतना एफिशिएंट नहीं, इतना कारगर नहीं है जितना वल्चर्स थे। तो उन लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। अब 1990 के दशक में हम लोगों ने देखा कि वल्चरों की संख्या कम हो रही है, और ये हमको किसने बताया, गांव वालों ने। उन्होंने हमसे कहा कि हम लोग आजकल अपना मरा हुआ पशु जब बाहर फेंकते हैं तो उसमें वल्चर ही बहुत कम आते हैं। तो हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और हमने पता किया कि वल्चर वाकई में कम हो रहे हैं, और 1995 तक करीब 90% वल्चर हमारे ख़त्म हो गए थे। हमको बहुत सारे वल्चर मिले जो बीमार लगते थे और 2-3 दिन में मर जाते थे। हमने उन वल्चरों को उठाया, उन जो मर गए थे उनका पोस्टमार्टम किया तो हमें पता लगा कि उन सबको गठिया रोग था। और गठिया रोग कब होता है, जब आपकी किडनी फेल हो जाती है, आपका शरीर खून में से यूरिया या यूरिक एसिड नहीं निकाल पाता है। और वल्चर मनुष्य में यूरिया निकलता है, हमारे पक्षियों में यूरिक एसिड निकलता है। तो यूरिक एसिड, किडनी फेल हो जाती है, यूरिक एसिड नहीं निकल पाता, और क्या होता है, यूरिक एसिड शरीर के विभिन्न अंगों पर जमा हो जाता है, और वल्चर की एक दर्दनाक मौत हो जाती है 4-5 दिनों में। तो यह हमने पता किया, तो ऐसा हो रहा था। फिर हम लोगों को यह भी पता लगा कि जिन वल्चरों में जिन गिद्धों में ये होता था उनमें एक दवा के अवशेष भी मिले। एक दवा होती है जिसका नाम है डाइक्लोफिनाइक। ये दवा पशुओं को दी जाती है जब भी उनको दर्द होता है या सूजन होती है। ये दवा पशुओं के लिए
बहुत अच्छी है। आप पशु के चोट लगी है उसको एक टीका लगाइए, 15 मिनट में उसको आराम आ जाएगा, और ऐसी कोई दवा नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए पशु दवा देने के 72 घंटे के अंदर मर गया, तो दवा के कुछ अवशेष शरीर में रह जाते हैं। वैसे तो ये दवा 6-7 घंटे में शरीर से निकल जाती है, लेकिन मान लीजिए पशु मर गया तो ये दवा पशु के शरीर के अंदर रह जाती है, और उसको अगर गिद्ध ने खा लिया तो ये दवा गिद्ध के लिए जहर है और गिद्ध उससे मर जाता है, चाहे वो कितनी भी कम क्वांटिटी में क्यों ना हो। नेक्स्ट प्लीज। हमको फिर जब हमको ये पता लगा, ये खोज एक्चुअली अमेरिका के साइंटिस्टों ने पाकिस्तान में की थी, और उसके बाद हम लोगों ने अपने यहाँ कंफर्म किया कि हाँ हमारे यहाँ भी यही हो रहा है, और हमने देखा कि डाइक्लोफिनैक खूब मिलती है, उसका यूज़ होता है, और हमारे यहाँ जो वल्चर मरे थे उनको भी विस्ट्रल गाउट होता था जो गठिया, और दवा मिलती थी। लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल था कि गिद्ध भी, इतने सारे गिद्ध दवा केवल दवा के उपयोग से मर जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर गाय, हमारे यहाँ 50 करोड़ करीब गाय हैं, मगर ज़्यादातर आवारा हैं। केवल 5% गाय जो हमारे यहाँ गाय और भैंस हमारे यहाँ देश में हैं उनका इलाज होता है। तो गाय को टीका लगे, और ये टीका गाय को मारता नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छा है, और गाय किसी कारणवश 72 घंटे के अंदर मर जाए, फिर गिद्ध खा ले, फिर गिद्ध मरेगा, तो ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था। तो हम लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है, और केवल इस दवा से इतने सारे गिद्ध, 4 करोड़ के करीब गिद्ध खत्म हो सकते हैं। तो हमने एक सारे तथ्य इकट्ठे किए, और इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उनके पास जाके हमने कहा भाई हमारे पास समस्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस दवा ने इतने बड़े सारे गिद्धों को मार दिया। तो उसमें एक मॉडल हमने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, उससे हमें पता चला कि अगर 10% से कम जो मरे हुए जानवर हैं और उनमें भी डाइक्लोफिनैक है, तो इतनी गिद्धों में पॉपुलेशन में गिरावट आ सकती है। और वो क्यों? क्योंकि गिद्ध जो है ना, वो यही नहीं, वो एक दिन में 100 किलोमीटर से ज़्यादा उड़ जाते हैं। तो मान लीजिए दवा यहाँ यूज़ नहीं हो रही है मगर 100 किलोमीटर दूर हो रही है, तो यहाँ के गिद्ध उससे भी मर जाते हैं। तो ये सब, और इससे हमें पता लगा कि बहुत हमारे जो मरे हुए पक्षी हैं उनमें 10% से ज़्यादा के उसमें ये दवा मिलती है।